बच्चों, आज 8 अगस्त 2021 है और आज के ही दिन आपका टीजीटी एग्रीकल्चर का पेपर हुआ है। उसकी बुकलेट हमको एक बच्चे ने भेजी है और इसको आज हल करने का प्रयास करेंगे। अगर कोई आपको लगता है कि आपसे आपने जो पढ़ा है उससे मैच नहीं कर रहा है तो कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं या अपनी बात बता सकते हैं। एक बात और कहना चाहेंगे कि जब भी आप YouTube या कहीं भी पढ़ें तो थोड़ा प्रामाणिकता को ध्यान रखें, क्योंकि पढ़ाना बहुत आसान है। आपने 4 क्वेश्चन बना के डाल दिए, लेकिन जो प्रोफेसर या कोई बहुत एक्सपीरियंस पर्सन पढ़ाता है और विशेषकर उस क्षेत्र का जहाँ पे आयोग हो, तो उसकी बातों को बड़ा ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। हमने जो भी बहुत कम समय में 10-12-11 मॉक टेस्ट और कुछ वीडियो डाले थे, उससे लगभग सभी प्रश्न आए हुए हैं और ये कुल मिला के 2.5-3 घंटे के प्रोग्राम का नतीजा होता। अगर आपने उसको 2 बार पढ़ लिया था होता तो 5-6 घंटे लगते, और हमें नहीं लगता है 5-6 घंटे में अगर आप कोई एग्ज़ाम क्रैक कर लेते हैं स्मार्टली तो इससे बेहतर कुछ हो नहीं सकता है। लेकिन आपने शायद ट्रस्ट नहीं किया, बहुत लोगों ने उसको ध्यान से नहीं देखा, सुना नहीं, तो स्वाभाविक तौर से है बिना इन सब चीज़ों का मनन किए प्रश्न बहुत आसानी से गलत होते हैं, आते हुए प्रश्न गलत होते हैं। परीक्षा भवन की हमेशा ये खूबी रही है। तो मेरा यही कहना है कि जो बच्चे पीजीटी देने आगे जा रहे हैं वो हमारे वीडियो को एक बार 2-3 घंटे देख लें, और नहीं तो डाउनलोड करके उस पर टिक लगा लें, समझ लें मेरी बातों को। लगभग प्रश्न उसी से आएंगे, और मैं बार बार कहता हूँ कि जो मैं बताता हूँ समझाता हूँ उसको थोड़ा सीरियस से अगर देखेंगे तो आने वाले में आपको सहायता मिलेगी। आप अपना पढ़ते रहें, और जहाँ से पढ़ते हैं बिल्कुल पढ़ते रहें, हम मना नहीं करते हैं, लेकिन अगर 2-2.5 घंटे ये जो मॉक टेस्ट हैं और भी जो हमने वीडियो डाले हैं उनको डबल स्पीड करके देख लेंगे तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। तो देर न करते हुए इन्हीं बातों के साथ पहला प्रश्न है, एम्ब्रियो डारमेंसी इज फाउंड इन फ्रूट, तो भ्रूण में सुसुप्तावस्था किस फल में पाई जाती है? तो इसका डी ऑप्शन सही है, आंवला में पाई जाती है, और आंवला उत्तर प्रदेश का प्रमुख फल है, प्रतापगढ़ का, आप जान ही रहे होंगे। इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस इज फाउंड इन, तो इनकम्प्लीट मेटामॉर्फोसिस है, होमोप्टेरा में पाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, फर्स्ट ड्वार्फ राइस वैरायटी डेवलप्ड इन इंडिया वाज, तो जया है, ये सब हमने पढ़ाए हुए हैं। इनिशिएशन ऑफ मिल्क सिक्रेशन इज कॉल्ड, तो मिल्क सिक्रेशन का जो प्रारंभ है वो उसको लैक्टोजेनेसिस कहते हैं, जेनेसिस माने पैदा होना। और पूसा मंजरी एंड पूसा नवीन ये सब पुरानी प्रजातियां हैं, प्रामिनेंट प्रजातियां हैं, ये लौकी की प्रजातियां हैं, बॉटल गार्ड की हैं। द लाइन्स ज्वाइनिंग द प्लेस हैविंग इक्वल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब इक्वल प्रेशर की बात आए तो बार से नापते हैं, तो आइसोबार है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। विच वन ऑफ इज ए रेगुलर बियरिंग वैरायटी ऑफ मैंगो, आप जान ही रहे होंगे इसमें सब उत्तर भारत की ये तो नहीं, लेकिन ये आम्रपाली जो है ये रेगुलर वैरायटी है, अल्फांजो तो महाराष्ट्र की है। एन ऑर्गेनिज्म दैट इज यूजली सेप्रोफिटिक बट अंडर सर्टेन कंडीशंस मे बी पैरासाइट इज कॉल्ड, तो मेजर रूप से वो सेप्रोफाइट है लेकिन जब परिस्थितिवश पैरासाइट होता है तो फैकल्टेटिव पैरासाइट होगा इसका ऑप्शन, फैकल्टेटिव पैरासाइट। नाइन है, आयल कंटेंट इन आयल बियरिंग प्लांट इज इंक्रीज बाय यूज ऑफ सल्फर, सल्फर के माध्यम से जितने भी आयल बियरिंग प्लांट हैं सल्फर की ज़्यादा जरूरत होती है, तो आयल की मात्रा सल्फर के एप्लीकेशन से बढ़ती है। एप्लीकेशन ऑफ स्टिकी बैंड, बार बार मैंने क्वेश्चन कई बार पूछा है, और इसमें मैंगो मिलीबग मैंने बताया था कि ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए स्टिप लगा देते हैं और दोनों तरफ ग्रीस लगा देते हैं, 10वां का बी ऑप्शन सही है। स्टैंडर्ड फॉर SNF कॉन्स्टिट्यूएंट इन बफेलो इज, तो ये क्वेश्चन में आयोग कहता है कि नज़दीकी विकल्प मारिए, तो वास्तव में इसमें 9 है, 9 स्टैंडर्ड है आज की तारीख में, लेकिन अब नियरेस्ट तो 9.2 है, आयोग को यही मानना चाहिए।
तो मेरी समझ में बी ऑप्शन इसका सही है। गलती हो सकती है, हुई हो। और चलिए आगे देखते हैं। गरीबी हटाओ स्लोगन वाज क्वाइंड बाई, तो इंदिरा गांधी ने इस नारे को दिया था, श्रीमती इंदिरा गांधी। इन विच रीजन ड्रिप इरीगेशन इज सुटेबल, तो टपक सिंचाई वहीं जहाँ पानी की कमी हो, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ड्राई रीजन। 14 है, सल्फर रिमूवल बाय द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ क्रॉप्स इज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो सबसे अधिक पहले रखना है, तो अभी एक प्रश्न आ चुका है, आयल सीड, फिर दालें और सब, फिर धान्य फसलें हैं, तो डी ऑप्शन सही है। विप्टेल डिसऑर्डर आप कॉलीफ्लावर, तो विप्टेल मॉलिब्डेनम से होता है, सभी बच्चे जानते हैं, और बहुत ही जी पेपर आया है। विच आर द फॉलोइंग आर द वायरल डिजीज, अभी हमने 2 दिन पहले पेपर आप डाला है, ये सब पूछा है, इसमें ऑल ऑप्शन सही हैं, सभी वायरल डिजीजेज हैं। प्रोजनी ऑफ द ब्रीडर सीड इज, हमने बताया ही है, आप जानते भी होंगे, फाउंडेशन सीड है प्रोजनी ब्रीडर सीड की। मैंगो कल्टीवर हुच रिटेन्स, मैंने बार बार इस प्रश्न को स्पेशली बताया था कि अल्फांजो है, और कोई प्रजाति ऐसी नहीं है। लोअर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज, तो ट्रोपोस्फेयर है, इसमें ए ऑप्शन सही है, ट्रोपोस्फेयर। 20वां है, मोनली फार्म टाइप ऑफ एंटीनी इज फाउंड इन, तो दीमक में पाई जाती है, टर्माइट में। विच वन इज नॉट बायोपेस्टिसाइड, तो इनको देखने के बाद आपको डी ऑप्शन लगता होगा, कार्बरिल जो केमिकल है, घातक केमिकल है, इंसेक्टिसाइड। डोका, डैंग और पिंड, ये सब क्या है, डेट पाम के फल की स्टेजें हैं, जिसपे हार्वेस्ट किया जाता है, कटाई तोड़ाई की जाती है, तो सी ऑप्शन सही है। द फ्रूट ऑफ कैस्टर इज नोन एज कैप्सूल, इसको कैप्सूल कहते हैं, अरंड के फल को। कृष्णायन कंचन, बहुत पुरानी प्रजातियां हो गई हैं अब तो, आंवला की हैं। रेनफॉल सिमुलेटर इज यूज फॉर, तो ये ऑप्शन, इसमें तीनों ऑप्शन सही थे। क्यों डीएनसी, ये रन ऑफ कंपटेशन के लिए भी है, सॉयल लॉस की स्टडी का अध्ययन के, रेनफॉल स्टडी का भी करता है, तो वास्तव में ये आल आब्द होना चाहिए था, लेकिन जिन बच्चों ने इस पे क्लेम है, आप देख लीजिएगा, ये आप उसको मिला लीजिए, इसमें डी ऑप्शन को अधिकतर बच्चों ने मारा है, लेकिन वास्तव में सभी इसमें ऑप्शन सत्य हैं। 25 है, इज द टालेस्ट ब्रीड ऑफ सीप, तो सी ऑप्शन सही है, नेल्लोर, नेल्लोर है, टालेस्ट ब्रीड है। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए प्लांट एक्सट्रैक्टेड पेस्टिसाइड, ये सब हमने बताए हैं, इसमें सभी है, केवल एल्डिन नहीं है, रोटिनोन है, पायरेथ्रिन है, सब है, इसमें एल्डिन धूल है केमिकल, तो सी ऑप्शन सही है इसका। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरियड आउट बाई एंजाइम, तो नाइट्रोजिनेज है, इसका सी ऑप्शन सही है। रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम इज रिलेटेड टू, तो सभी से रिलेटेड है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, पावर्टी एलिवेशन, सभी से, तो यहाँ इसमें डी है ऑप्शन सही है, ऑल है। द रेड कलर ऑफ टोमेटो इज ड्यू टू, वेरी कॉमन, बहुत हाई स्कूल से आप जानते होंगे, लाइकोपिन की वजह से होता है। करण स्विस, अभी मैंने 2 दिन पहले वीडियो डाला है, सेम ऑप्शन हमने रखे हैं, सी ऑप्शन सही है, साहिवाल एंड ब्राउन स्विस, आप इससे अंदाजा लगा सकते थे। कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर आर कॉल्ड सेकेंडरी न्यूट्रिएंट, क्योंकि मैक्रोन्यूट्रिएंट 3 भागों में होते हैं, एनपीके 2 भागों में, और कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फर, ये प्राइमरी, ये सेकेंडरी, और दोनों को माइक्रो कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही है। फर्स्ट केवीके वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर, तो सभी लोग जानते हैं, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, 1974, हाई मेरिट जाएगी। द प्रैक्टिस ऑफ कल्टीवेशन इन वाटर एक्सपेरिमेंट, क्या प्रश्न बनाने की जरूरत थी, हाइड्रोपोनिक्स है, बहुत इजी क्वेश्चन है। जेस्टेशन पीरियड ऑफ काउ इज गर्भकाल, पता, मैंने अभी परसों बनाया है, उसमें दिया था, है ये क्वेश्चन हमने पूछ लिया है, 283 से 285 दिन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ क्रॉप एंड इंसेक्ट पेस्ट इज नॉट करेक्टली मैच, तो शुगर केन, गुरदासपुर बोरा सही है, ग्राउंड नट व्हाइट ग्रब फेमस है, रेप सीड का एफिड है, माहू है, और सूरजमुखी का पेंटेड बग नहीं है,
ये क्रूसीफेरी का है लोग, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें उत्तर नहीं मैच है। मतलब ट्रेनिंग अंडर ट्राइसेम इज मेनली गिवन टू, मैंने एक क्वेश्चन विशेष रूप से बनाया था कि कंफ्यूजन ना हो, तो इसमें रूरल यूथ है, आल यूथ नहीं है, रूरल यूथ। हमने आल यूथ का भी एक ऑप्शन दिया था, तो नामे से ट्रेनिंग फॉर रूरल यूथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम, तो बी ऑप्शन इसमें सही है। NIRD अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट लोकेटेड एट, तो इसमें हैदराबाद है, इसमें सी ऑप्शन सही है। 38-39 का क्रिटिकल सॉयल टेस्ट लेवल अप्रोच वाज गिवन बाई तो केट एंड नेल्सन, ए ऑप्शन सही है, उन्होंने दिया ही है। द क्लाउड विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिन्यूस प्रेसिपिटेशन इज कॉल्ड एज निम्बो स्ट्रेटस, ए ऑप्शन सही है। फ्रीजिंग पॉइंट हमने पिछली बार अभी बनाया है, 50 क्वेश्चन उसमें से सब क्वेश्चन हमने पूछ लिए थे, सी ऑप्शन सही है, -0.55 डिग्री सेल्सियस। फॉर द प्लांट मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ वाटर इज, ये सब क्वेश्चन बनाने की क्या जरूरत थी, कैपिलरी वाटर, केसिका जल। पंचायती राज वाज फर्स्ट स्टार्टेड ऑन अक्टूबर 2, 1959 फ्रॉम, हमने क्वेश्चन बनाया था, हमने वहाँ नागपुर लिख दिया था, बच्चे ने कहा नागौर होगा, याद होगा जो बच्चे मेरा मॉक टेस्ट देते हैं, नागपुर है। विच विच क्रॉप इज कॉमनली अफेक्टेड बाई ग्रीन ईयर डिजीज, तो नाम है इसे ग्रीन ईयर डिजीज, बाजरा, बाजरा को पर्ल मिलेट भी कहते हैं, तो इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फॉर द इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ विल्ट पिजन पी शुड बी इंटरक्रॉप विद सोरघम, बाजरे के साथ जो है उठा रोग अरहर का कम होता है, और फिंगर मिलेट भी है, तो फिंगर मिलेट ज्वार पूछा है, और कोई ऑप्शन सही नहीं है। बार्टलेट इज ए प्रामिनेंट, बार्टलेट बहुत महत्वपूर्ण प्रजाति है नाशपाती की, तो यह सही ऑप्शन है। विच वाज द फॉलोइंग इज परमानेंट मेथड ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, तो इसका कैनिंग ऑप्शन सही है, कैनिंग, कैनिंग ऑप्शन इसका सही है, परमानेंट प्रिजर्वेशन का। तो द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल वाटर टू प्लांट, इसमें बच्चों एक ऑप्शन दिया एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर, ये फिर मैं बताना चाह रहा हूँ, तो एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर का लेवल होता है कि आखिर किस स्तर तक उसको करेंगे। परमानेंट में सुखाना भी है, अचार भी, जैसे अचार है या ड्राई फ्रूट्स हैं, ये सब परमानेंट प्रिजर्वेशन के उदाहरण हैं। तो यहाँ पे इसमें ये नहीं कन्फ्यूज, एक्सक्लूजन ऑफ मॉइस्चर, मॉइस्चर तो निकाल करके भी परमानेंट प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, लेकिन वास्तव में इसका लेवल क्या है, ये एक प्रिंसिपल है, और इस प्रिंसिपल में बहुत चीज़ें आती हैं सुखाने में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है, 47 का बी। द अवेलेबिलिटी ऑफ सॉयल वाटर टू प्लांट लाइज बिटवीन, हमने पूछा है, सीधे पूछा है, ये लेवल है इसी 0.33 to 15 बार एटमॉस्फियर। हाउ मैनी ATPs, तो इसमें 15 ATP हैं, जो ए ऑप्शन सही है। अल्पाइन हमने पूछा है कि ये किसकी प्रजाति है, और ये 50 का ए ही सही है, गोट बकरी की प्रजाति है, अभी मैंने पिछले पूछा उसमें एक ऑप्शन रखा है अल्पाइन का। यूज ऑफ लाइट ट्रैप्स फॉर द कंट्रोल ऑफ, ये भी हमने पूछा, एक बच्चे ने पूछा था किसके अंतर्गत आएगा, सेम क्वेश्चन हमने पूछा है, तो इसमें मैकेनिकल कंट्रोल है। द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड विजिट सिस्टम वाज इवॉल्व्ड इन, तो 1974, तो सब जान ही रहे हैं। सर्वोदय स्कीम वाज स्टार्टेड बाई सर्वोदय, तो सर्वोदय आचार्य विनोबा भावे, डी ऑप्शन इसमें सही है, 53 का हो जाएगा डी। 54 है अर्ली ब्लाइट डिजीज ऑफ पोटैटो, तो इसमें डी ऑप्शन सही है, ऑल ऑफ द अबव इज सॉयल बार्न तो है ही है, और सीड से भी हो सकता है, एयर बार्न भी है, मेजर तो सॉयल बार्न है, लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही होगा। मेथड ऑफ मास कम्युनिकेशन इज, इसमें तो कंफ्यूजन है ही नहीं, समाचार पत्र मास कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा उदाहरण है। एलिमेंट एसेंशियल फॉर डीफ्लॉकुलेशन सोडियम है, सोडियम से डीफ्लॉकुलेशन होता है। और
व्हिच फ्रूट इज मोस्टली सुटेबल फॉर प्रिपरेशन, हमने बार बार इसको चित्र के माध्यम से अपने वीडियो में समझाया था कि मार्मालेड इज ए जेली जिसमें सिट्रस फलों से बनती है, तो ऑरेंज सिट्रस फ्रूट है। सोयाबीन सीड, तो सोयाबीन में जो होती है 20% तेल होता है और 40% प्रोटीन होती है। ये पोर्शन रिपीटेड है, ये डी ऑप्शन सही है। इन द फॉलोइंग व्हिच वन इज नॉट ए मिल्च टाइप ऑफ इंडियन कैटल, तो इसमें दुधारू, भारवाही, दुकाजी सब क्लासिफिकेशन है। हमने क्वेश्चन पूछा है सीधे, अमृत महल, अमृत महल नहीं है, आप पिछले पिछला वीडियो देखिए। सीड प्लॉट टेक्निक इज अडॉप्टेड इन, तो सीड प्लॉट बहुत पुरानी बात है, पोटैटो से है। एनडीआरआई करनाल में है, बी ऑप्शन सही है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्कलरेशन ऑफ कैंड फ्रूट, तो इसका बी ऑप्शन सही है, कॉपर साल्ट। हमने इसको समझाया है वीडियो के माध्यम से, स्पष्ट किया है कैसे डिस्कलरेशन होता है, डिटेल में समझाया है। एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी होती है, कॉपर सोल्ट, लेकिन डिब्बा बंद फलों में एंजाइम निष्क्रिय कर दिए जाते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। पूसा स्नोबॉल इज ए वराइटी, आप बहुत पुरानी प्रजाति है, फूल गोभी की है, कॉलीफ्लावर की है। व्हिच वेजिटेबल ऑयल इज गुड फॉर हार्ट पेशेंट, मैंने कहा था एक प्रश्न निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, निश्चित आएगा, मैंने बार बार कहा था कि प्रश्न आए तो डी ऑप्शन पे टिक लगाइएगा, और मैंने इसी भाषा में कहा है, पिछला वीडियो देखें। द जर्मिनेशन इन व्हिच कार्टिलेजन सीड्स रिमेन्स इन द सॉयल, तो हाइपो माने बिलो होता है, तो हाइपोजियल में होगा, सॉयल के रहेंगे, और तो इसमें 65 का बी है। नियर बाई कैनाल बैंक्स, क्वेश्चन पूछा गया है, सेलाइन सॉयल है, नहर के किनारे की भूमि लवणीय हो जाती है। टाइम एंड टेम्परेचर कॉम्बिनेशन इन बैच आर होल्डिंग मेथड इज ए, ए ऑप्शन इसमें सही है, 67 का ए, तो नहीं सॉरी 67 का सी, ये नहीं 67 का सी, ऑप्शन से 145 डिग्री फारेनहाइट फॉर 15 मिनट। अगला है टोटल नंबर ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ये तो मैंने कहा था कि आएगा, एकदम सेम बनाए हैं आप, 17 हो गए 16 की जगह पे, आप सब जानते भी होंगे। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, ये भी क्वेश्चन हमने पूछा है, एंथ्रेक्स, रिंडरपेस्ट, लिवर फ्लू सब पूछा है। मिल्क फीवर जान ही रहे कैल्शियम से होता है, तो यही नहीं मैच है, बाकी सब मैच है। द इफेक्टिव हैबिटेट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द लाइफ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, तो सभी फैक्टर जो हैं लाइफ और डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग सीरियस इंसेक्ट ऑफ ओनियन, बार बार मैंने कहा था थ्रिप्स, थ्रिप्स ओनियन का थ्रिप्स मेजर इंसेक्ट है, तो जिन लोगों ने सुना होगा तो याद ही होगा। सीड रेट ऑफ कैरेट इज, तो 5 to 6 केजी है इसकी गाजर की बीज दर, तो याद करने की चीज है, आप मेमोराइज करेंगे। वेरी विग्रस स्टॉक ऑफ एप्पल इज M25 है। अवरोधी सभी है, डी ऑप्शन इसमें सही है, सभी जगह ये तीनों राज्यों में होती है। द क्रोमोजोम नंबर 50 है, इसका बी ऑप्शन है 50 है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला ऑफ रॉक फॉस्फेट, तो 76 का हो जाएगा डी, डी है फार्मूला। ये तो क्वेश्चन कठिन है, और अगर ये गलत होता है तो कोई बात नहीं है, क्योंकि सरल गलत नहीं होने चाहिए, गलत कठिन गलत होते हैं तो उससे सिलेक्शन नहीं रुकता है, ये हमेशा याद रखिए। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ पनीर शुड बी, शुड नॉट बी लेस देन, तो इसमें सी ऑप्शन सही है 60, ये FSSAI के मानक के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 60 है। ब्लैक आर ब्राउन हार्ट डिजीज, तो ये तो बहुत पुराना है, आप यानी मैंने बार बार सब क्वेश्चन हमने बताए, बोरान और बहुत ही कम मॉक टेस्ट में हमने सब बता दिए थे, और जो हमारे और भी हैं। मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्लांट फॉर टैपेरीज में बार बार क्लेरोडेंड्रानिनर्मी, क्लेरोडेंड्रानिनर्मी मोस्ट कॉमनली, सब
टापेरी के लिए यूज होते हैं, इंगा डलसी जंगल जलेबी भी यूज होती है, और आजाद रेट का ये नहीं होता है, फाइकस की भी टापेरी अच्छी नहीं बनती है, लेकिन इसमें मोस्ट में इससे बेहतर कुछ भी नहीं, क्लेरोडेंड्रालिन अर्मी। पोटेशियम क्लोराइड कंटेंस, तो सी ऑप्शन सही है। K2 कंटेंस, K2O पूछा है, K2O को ध्यान रखिएगा हमेशा, तो ये यही रहेगा। टोडा, तो 81 टोडा सी है, मतलब ये बफलो की प्रजाति है, भैंस है टोडा। जमुनापारी, अब इसको क्या कहें, आपके पास जमुना है तो उत्तर प्रदेश में है जमुना गंगा, अब ये तो उत्तर प्रदेश में रहेगा। क्रिटिकल स्टेज ऑफ फर्स्ट इरिगेशन, तो ये तो बहुत साधारण सी बात है, 21 से 25, 20 से 25, यही लिखा रहता है, आपको याद भी होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज फादर ऑफ टिलेज, ये सब रिपीटेड, जेथ्रो टूल, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं जिसको हमने कहीं ना कहीं न बताया हो। द हस्कलेस वराइटी ऑफ बार्ले इज सी है, डोलमा। अगला है लिनसीड फ्लैक्स, इसका नाम ही पूछ लिया है, इसमें कोई फ्लैक्स है। हेडक्वार्टर ऑफ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इज IMD का क्या है, तो न्यू दिल्ली है, इसमें ए ऑप्शन सही है। द यूनिवर्सल सॉयल एस इक्वेशन टू प्रिडिक्ट इरोजन वॉज गिवन बाई, तो बी ऑप्शन सही है, वेस्टमिंस्टर एंड स्मिथ, यही ऑप्शन सही है बी। बारादरी, मैंने बार ये क्वेश्चन सब मैंने ऑब्जेक्टिव पूछे थे, मुगल गार्डन से संबंधित है बारादरी। द अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सॉयल पार्ट के लिए इज कॉल्ड सॉयल स्ट्रक्चर, सॉयल स्ट्रक्चर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंजाइम, तो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं थी। द गवर्नमेंट ऑफ, जब मेरे वीडियो अगर देखे होंगे, जो मैंने कई तरीके से वीडियो डाले, मॉक टेस्ट से पहले भी हमने लगभग 7-8 वीडियो डाले हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेटअप प्लानिंग कमीशन 50 में, प्लानिंग कमीशन 50 में है, एकदम सही है। सीड एक्ट, मैं बार बार कहता सीड एक्ट और सीड रूल में अंतर याद रखिएगा, 66। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिल्क शुगर, तो ये तो अब क्या कहा जाए, इनसे तो लैक्टोज, इसमें सिली मिस्टेक नहीं करना चाहिए, बहुत। फादर ऑफ इंडियन रेस्ट इज बटलर, बटलर है बटलर, सॉरी इसमें हमें लगता है केसी मेहता है, बटलर नहीं है ये, केसी मेहता है, ये इंडियन रेस्ट पूछा है, तो इंडियन रेस्ट के केसी मेहता है। चलिए ये क्वेश्चन हमने बनाया है और निश्चित रूप से आप इसको मेरे किसी न किसी में देख सकते हैं। मिल्क फीवर काउ, अभी ऊपर इससे क्वेश्चन पूछा था, फिर है कैल्शियम जिसको मैच नहीं है वाला क्वेश्चन है। FAO, तो FAO का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1945। विंटरिंग, तो गुलाब में की जाती है विंटरिंग, जड़ों को खोलने को विंटरिंग कहते हैं, और किसी में नहीं। मेन काज ऑफ ब्लैक टी बीज, तो मेन पूछा है, तो मेन तो भाई यही है सल्फर, और इसमें ये नहीं है, ये भी एस्टली एथिलीन है लेकिन ये नहीं है, कॉपर की जगह पर मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, एस्टलीन जगह पे एथिलीन है, तो ये सब ऑप्शन गलत हो गए हैं, और यहाँ पे इसीलिए बी ऑप्शन सही है। एरिस्टेट एंटीनी आर फाउंड इन, तो 100 का है, क्या नाम है, हाउस, बी ऑप्शन सही है, हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। रिफ्रेक्टोमीटर, ये तो सब पूछा ही गया, TSS ज्ञात करने, टोटल सॉल्युबल सॉलिड्स, कुल घुलनशील ठोस ज्ञात करने के लिए किया जाता है, सब बताया है। अंडर नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट नार्प ऑफ ICAR इज क्या है, डिवाइडेड इनटू एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स। अब नार्क के हिसाब से तो ये क्वेश्चन अब विवाद में चला गया, पता नहीं कैसे टाइप करते हैं, 127 है
नार्व के हिसाब से, और नहीं तो फिर 15। इसमें 126 और 129 नहीं है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, नान ऑफ दीज। इसमें डी ऑप्शन सही होगा, नान ऑफ दीज, नान ऑफ दीज। इसमें 127 होने के कारण नान ऑफ दीज ऑप्शन इसमें सही होगा। तो देखिए मेरे समझ से डी ऑप्शन सही है। काउ ब्रीड राठी इज कॉमनली फाउंड इन राजस्थान, राठ राठी राजस्थान। स्पॉन्जिंग टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स आर फाउंड इन, तो स्पॉन्जिंग टाइप तो हाउस फ्लाई में ही पाए जाते हैं। 104 का ए ऑप्शन सही है। तो अगला सवाल है, फर्टिलाइजर दैट सप्लाइज नाइट्रोजन बोथ, नाम से ही अमोनिकल और नाइट्रेट, तो अमोनिकल और नाइट्रेट तो ए ऑप्शन सही है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। द बायो फंजीसाइड ट्राइकोडर्मा, फफूंद है ये, यूज टू पिजन पी अगेंस्ट विच, तो ये फफूंद फफूंद को खाती है, बार बार मैं कहता था ये उकठा को नियंत्रण करती है। आइसोलेशन डिस्टेंस फॉर फाउंडेशन सीड प्रोडक्शन इन ब्रिंजलीज, तो 107 का हो जाएगा ए, 200 मीटर फाउंडेशन पूछा है। एमंग द फॉलोइंग विच वन इज नॉट ए मोनोकॉटिलेडन फ्रूट, हमने ये सब बार बार बताए थे, इसमें सभी है, बी ऑप्शन नहीं है, कस्टर्ड एप्पल नहीं है। रेड सॉयल आप जान ही रहे तमिलनाडु में पाई जाती हैं, इसका बी ऑप्शन सही है, लाल मृदाएं। ग्रासी सूट दोबारा रिपीटेड है, अभी पूछा गया था DHO के एग्जाम में इसी को, ये माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म है। क्रिकेट बॉल ये सपोटा की प्रजाति है, ये भी ऑप्शन सही है। द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन इन ए फील्ड विद स्टैंडिंग वाटर इज कॉल्ड पडलिंग, पडलिंग पडलिंग इम्पॉर्टेंट, कोई बड़ा सामान सी बात है। फ्लेम फोटोमीटर रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसको पूछा गया था DHO में, फिर पूछ लिया गया है, पोटेशियम है। उमरान और गोला प्रजातियाँ बेर की हैं, आप जान ही रहे हैं। इसमें पैराक्वाड डाइक्वाड नॉन सेलेक्टिव हैं, जहाँ डालो पूरे सबको मार देते हैं। द प्लेस वेयर गांधी जी स्टार्टेड, वर्धा 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 महाराष्ट्र वर्धा। हाइपोजियल जर्मिनेशन इन फाउंड इन, सी ऑप्शन सही है, मोस्ट ऑफ मोनोकॉट एंड सम इन डाइकॉट, हाइपोजियल मोस्ट ऑफ मोनोकॉट एंड सम इन डाइकॉट, मेरी समझ से। अब आप देख लें, हाइपोजियल मोस्ट ऑफ मोनोकॉट एंड सम इन डाइकॉट। कोलेस्ट्रम इज रिच, मैंने अभी पूछा था, इसमें सभी हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। यूरिया इज ए डायमाइड, ए ऑप्शन सही है, कार्बोनिक एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सॉल्युबल, तो मोनो कैल्शियम फास्फेट वाटर सॉल्युबल, यही मुख्य रूप से है, बाकी नहीं है। एडल्ट फीमेल गोट इज कॉल्ड डो, डो कहते हैं। पूसा चेत की मूली की है, पुरानी प्रजाति है, पूसा हिमानी पूसा चेत की। लैब टू लैंड प्रोग्राम बार बार बताया गया, जानते भी होंगे सभी बच्चे ICAR से, इज यूज्ड फॉर द रिक्लेमेशन ऑफ एल्कली सॉयल, तो जिप्सम का होता है, जिप्सम का फार्मूला दिया है, कैल्शियम सल्फेट इंटू 2:2, हमने पूछा है डायरेक्ट, इसका फार्मूला भी पूछा था, अब सही हुआ कि नहीं हुआ, अब क्या मैं बताऊं। ये है और लास्ट सवाल है, सुटेबल वैरायटी ऑफ ओनियन फॉर खरीफ इज, तो एग्री फाउंड डार्क रेड। बच्चों मैंने कोशिश की है अपने स्तर से प्रश्नों को सही बताने की, अगर आपको कहीं सुविधा होती है तो आप कर सकते हैं। जो PGT का एग्जाम देने जा रहे हैं ये पेपर तो समझ लें, इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, इससे निश्चित प्रश्न आएंगे, इस पेपर से निश्चित प्रश्न रहेंगे, और जो पुराने हमने मॉक टेस्ट बनाए हैं उससे सीधे प्रश्न पूछे जाएंगे,
आप उनके ऑप्शन को भी देखने में बार बार कहता है, मेरे ऑप्शन को जरूर देखने एक बार। और सभी को शुभकामनाएं जिन्होंने इसकी मेरिट लिस्ट, मैं बता दूं लगभग में टीजीटी में इसका 110 प्लस माइनस 2 रहेगा जनरल का, और 105 प्लस माइनस 2 रहेगा ओबीसी का, और 100 प्लस माइनस 2 रहेगा एससी एसटी का। और इससे नीचे मेरिट इसकी नहीं जाएगी, पेपर बहुत इजी है, जिन्होंने सिली मिस्टेक नहीं की होगी निश्चित रूप से सफल होंगे। सभी को बधाई। और मैं कहना चाहूँगा जिन्होंने डीएचओ और अभी जो एग्ज़ाम हुआ उसका दिया, उसकी मेन की मैंने स्ट्रेटजी बनाई है उसके बारे में मैं एक वीडियो डालूंगा, जो सीरियस बच्चे हैं और उसकी मेरिट डाउन जाएगी। हमने 95 और कुछ करके बताई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा सर्वे करने के बाद ये पता चला है कि कम से कम 10 नंबर नीचे गिरेगा जो हमने बताया है। इस पर कभी चर्चा करेंगे। इससे पहले पीजीटी का भी एग्ज़ाम है, तो संभव होगा तो एक वीडियो डालेंगे और उससे क्वेश्चन निश्चित आएंगे। मैं जब कहता हूँ आएंगे तो आएंगे। और मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं, और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें।